स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, बचत निवेश और आप सीजन 2 श्रृंखला 2 में आपका स्वागत है। श्रृंखला में अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं, आगे जितने भी वीडियोस हम देखेंगे, इसमें शायद ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस विषय के बारे में जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन। हो सकता है कि एक से ज़्यादा वीडियोज़ की ज़रूरत हो मुझे इन्फ्लेशन के बारे में बात करने के लिए। हमारे जीवन को सर्वाधिक अगर कोई प्रभावित करता है तो वह इन्फ्लेशन। बहुत से लोग इन्फ्लेशन से घृणा करते हैं। घृणा ना कीजिए। अगर आप निवेशक हैं, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं, तो इन्फ्लेशन आपके लिए ज़रूरी है। पर जैसा अति सर्त वर्जयते, ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है, पर इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन के उल्टा होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है कीमतें कम होना, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतें बढ़ना। टेक्निकली इन्फ्लेशन क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले गौर से ज़रा इस चार्ट को आप देखिए। इस चार्ट में USA की इन्फ्लेशन की कहानी आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। ध्यान से इस बात को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1929 के पहले महंगाई बढ़ती थी US में, पर कुछ साल बढ़ती थी, फिर गिर जाती थी, फिर बढ़ती थी, फिर गिर जाती थी। इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखें, जो ब्लू लकीर है वो बताती है कि महंगाई बढ़ रही है, पर उसके साथ साथ एक ग्रीन कर्व है जो बता रही है कि महंगाई गिर रही है, डिफ्लेशन हो रही है, नेगेटिव हो रही है। पर आखिर के 100 साल आप देखिए, 1930 के बाद का समय देखिए, आखिर के 80 साल आप देखिए, आपको ये ग्रीन लाइन बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, लगातार आपको एक ब्लू कर्व नज़र आएगी। इसको बोलते हैं सस्टेन्ड ऑल परवेजिव इन्फ्लेशन। इसका मतलब है लगातार चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है लगातार आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। ऐसी स्थिति आपके लिए ज़रूरी। इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर इन्फ्लेशन होना चाहिए दोस्तों। इन्फ्लेशन ब्लड प्रेशर के जैसे है, 80-120 होना चाहिए। इन्फ्लेशन 3% होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर 80-120 से ज़्यादा है तो चिंता की बात है, पर इन्फ्लेशन अगर ब्लड प्रेशर लो है तो और ज़्यादा चिंता की बात है। और अगर किसी व्यक्ति में अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो व्यक्ति ज़िंदा नहीं। इन्फ्लेशन भी ऐसा ही है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो चिंता की बात है, इन्फ्लेशन नहीं है तो ज़्यादा चिंता की बात है, और थोड़ा इन्फ्लेशन है तो इकोनॉमी में संतुलन है, इकोनॉमी में बढ़त है, इकोनॉमी में ग्रोथ है। मैंने आपसे बार बार जिक्र किया है कि मानव के आर्थिक इतिहास में 1800वीं सदी तक GDP बहुत कम क्यों हुआ करती थी, और आज हम इतने दौलत वाले क्यों हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे मन में महंगाई का डर है। ये महंगाई का डर क्या है, किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हम ये बाद में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि महंगाई क्या होती है। महंगाई का मतलब होता है लगातार आपके पैसे की क्रय शक्ति कम होना, और जैसे जैसे ये क्रय शक्ति कम होती जाती है, वैसे वैसे आप देखिए चीज़ों के दाम बढ़ते चले जाते हैं। पर ये पैसे की क्रय शक्ति कम क्यों होती है? इन्फ्लेशन के बहुत से कारण होते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश का है कि आप कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं, वो चीज़ें महंगी हो गई तो आपकी चीज़ महंगी हो गई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है। फेमाइन हो गया, अकाल पड़ गया, खाद्यान्न पैदा नहीं हुए तो महंगा हो गया। पर ये तमाम जो इन्फ्लेशन है, ये आते जाते रहते हैं, अचानक से कम होते हैं। आज हम जो इन्फ्लेशन की बात करेंगे, हम उस इन्फ्लेशन की बात करेंगे जो लगातार बढ़ता है, ऑल परवेजिव होता है, मतलब हर चीज़ महंगी होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में वही चीज़ महंगी होती है जिसका कॉस्ट बढ़ती है, हर चीज़ महंगी नहीं होती। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में वही चीज़ महंगी होती है जिसकी डिमांड बढ़ती है, हर चीज़ महंगी नहीं होती है। फेमाइन के अंदर भी करीब करीब हर चीज़ महंगी नहीं होती है, पर कब होता है, जब हर चीज़ महंगी होती है। ऑल परवेजिव सस्टेन इन्फ्लेशन कब होता है, ये तब होता है जब मनी सप्लाई ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन मनी सप्लाई का कारण कैसे है, ये इस बात को समझते हैं। दोबारा याद करें वो पहला ग्राफ जो हमने देखा था कि US में 1950 के बाद ही इन्फ्लेशन और महंगाई क्यों बढ़ी। बहुत आसानी से इस बात को समझते हैं। 70-80 साल पहले, 90 साल पहले, जब हिंदुस्तान में, दुनिया के बहुत से मुल्कों में जब कमोडिटी मनी थी, या सिक्के जब चांदी के चलते थे, तो सिक्के की स्वयं की वैल्यू होती थी, खुद की वैल्यू होती थी। तो अगर दाल चाहिए, दाल, दही, चावल, गेहूं इत्यादि, फल सब्जियां अगर महंगी होती थी तो चांदी भी महंगी होती थी, और चांदी के महंगी होते ही वो चीज़ें महंगी हुई, चांदी महंगी हुई तो एंट्री कॉन्ट्रा हो गई और महंगाई आपको नज़र नहीं आई, क्योंकि रुपये की खुद की वैल्यू थी, वो चांदी का बना होता था। धीरे धीरे ये रुपया पेपर करेंसी में आया, हमने समझा था पिछले वीडियोज़ में। कुछ सालों तक तो ये पेपर करेंसी भी उतनी ही बनती रही जितना गोल्ड आपके पास में होता था, क्योंकि जब गोल्ड बैंक में IOU दिया गया था, वो गोल्ड के आधार पर दिया गया। पर 1970 आते आते, 1960 आते आते, ये व्यवस्था भी करीब करीब चरमराने लगी, ख़त्म से होने लगी, और फिर उसके बाद जो करेंसी दुनिया में बनी उसको फिएट करेंसी बोलते हैं।
फ़िएट करेंसी का मतलब है करेंसी की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। फ़िएट करेंसी जितनी मर्जी छापी जा सकती है, फ़िएट करेंसी जितनी मर्जी सप्लाई की जा सकती है, पर इसकी सप्लाई पे आरबीआई कंट्रोल करता है। पर फिर मनी सप्लाई तो भी बढ़ती है क्योंकि बैंकिंग बढ़ती है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। फ़िएट करेंसी, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग और क्रेडिट, ये तीनों मिलके महंगाई लेके आते हैं, क्योंकि ये तीनों मिलके मनी सप्लाई लेके आते हैं, हमने पिछली वीडियो में समझा था। लगातार अगर ये मनी सप्लाई बढ़ती रहेगी तो लगातार पैसे की कीमत कम होती रहेगी, और लगातार पैसे की कीमत बढ़ कम होती रहेगी तो चीज़ों के दाम बढ़ते रहेंगे। इसलिए एक निवेशक के रूप में आपके लिए ज़रूरी है कि आप महंगाई को हराएं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में 50 साल पहले, 60 साल पहले उनके लिए सेविंग भी बड़ी बात होती थी, क्योंकि रुपये में मनी सप्लाई कम होने से क्रय शक्ति कम होती थी, और क्रय शक्ति बची रहती थी, कम नहीं होती थी, तो उनके सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट का काम करता था। इसलिए इन्फ्लेशन समझना बहुत ज़रूरी है। जब जब समाज में मनी सप्लाई की ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा होगी, तब तक समाज में इन्फ्लेशन होगा। जब जब समाज में एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से ज़्यादा होगा, तब तक समाज में महंगाई होगी। जब जब समाज में, अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण सोच रहा हूँ, अगर आपके मन में शाश्वत मतलब हमेशा जिंदा रहने वाला महंगाई का डर होगा, तो महंगाई जिंदा रहेगी। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, विस्तार से हम इसके बारे में बात करेंगे। एक इकोनॉमिस्ट है पोल वॉलकर, उन्होंने हमें ये बात समझाई थी कि इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण मनी सप्लाई है, और दूसरा बड़ा कारण है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। जब से दुनिया में लगातार महंगाई आई है, हमारे मन में एक डर बैठ गया है। डर ये है कि वस्तुएं फ्यूचर में महंगी होगी। इस डर ने हमें उपभोग करने के लिए प्रेरित किया है। मुझे कुछ भी सामान खरीदना है, मैं आज खरीदना पसंद करता हूँ कल के मुकाबले, क्योंकि कल मुझे महंगा मिलेगा। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में लोग प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदते थे क्योंकि उनके दाम नहीं बढ़ते थे। अब क्योंकि मनी सप्लाई से, क्रेडिट क्रिएशन से पैसे की वैल्यू कम हुई है, चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के दाम बढ़ते हैं। यही प्रॉपर्टीज़ का रिटर्न होता है। तो आपको रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ खरीदने की इच्छा होती है, तो इसका कारण क्या था? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। अगर आपके मन में ये डर है कि आगे महंगाई होगी, तो महंगाई ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि आप वर्तमान उपभोग को बढ़ा देंगे। ये जो महंगाई है, ये महंगाई बहुत बुरी भी है। ये बुरी क्यों है? ये बुरी इसलिए है कि रिच पुअर में डिवाइड करती है। पुअर को इससे नुकसान होता है, रिच को इससे फ़ायदा होता है। रिच अमूमन सामान बेचने वाला होता है, उसको फ़ायदा होता है महंगाई बढ़ने से। पॉलिटिकल फॉलोआउट्स होते हैं, सरकारें गिर जाती हैं अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, और अगर नागरिक परेशान होते हैं। रिड्यूसेस द पावर ऑफ मनी, ये तो हम जिक्र कर चुके हैं। जो लोग फिक्स्ड इनकम में बचत करते हैं, डिपॉजिट्स में बचत करते हैं, जो लोग बैंकों में बचत करते हैं, उनके लिए ये बड़ी मारक होती है। उनका पैसे की वैल्यू बची नहीं रह पाती है, और उनके रियल इनकम्स बहुत कम हो जाती है। ये हमारे एक्सपोर्ट्स को ज़रूर कॉम्पिटिटिव बनाती हैं, लेकिन हमें इम्पोर्ट करने के लिए भी बाध्य करती है। अगर हमारे हिंदुस्तान की चीज़ें महंगी हो जाएगी, तो बाहर से हम इम्पोर्ट करेंगे। और ये जो करेंसी कमज़ोर होती है, ये हमारी मुद्रा को कमज़ोर करती है विदेशी मुद्रा के सामने, तो फॉरेन एक्सचेंज के मुकाबले भी वहाँ पर भी हमारी मुद्रा कमज़ोर होती है। हाई इन्फ्लेशन समाज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी पैदा करता है, और जब वो अनसर्टेनिटी पैदा करता है तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाते हैं, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाते हैं तो इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है। तो आरबीआई के लिए इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इस इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है, सब पे अलग अलग होता है। कल्पना करें कि एक मोहन है जिसके पास सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपये हैं। कल्पना करें मीरा जिसके पास 5,000 रुपये कैश रखे हुए हैं। माया जिसने 5,000 रुपये उधार दिए थे पिछले साल। मधु जिसने 5,000 रुपये उधार लिए थे पिछले साल। अचानक से अगर 10% की महंगाई बढ़ती है तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा? एक महंगाई, चार प्रभाव। महंगाई अचानक से बढ़ना, इस बात पे गौर कीजिएगा। एक होती है एंटिसिपेटेड महंगाई, एक होती है अनएंटिसिपेटेड महंगाई। अगर आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कल महंगाई क्या होगी, आपके निर्णय सही होंगे। पर अगर आप एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो आपका निर्णय गलत हो जाएगा। मान लीजिए अगर मोहन ये एंटिसिपेट करता कि महंगाई 10% बढ़ रही है, तो 5,000 रुपये सेविंग अकाउंट में नहीं रखता। उसने एंटिसिपेट नहीं किया, इसलिए 5,000 रुपये सेविंग अकाउंट में रखा, और उसकी क्रय शक्ति कम हो गई, उसको नुकसान हो गया। मीरा जिसने पैसा 5,000 कैश में रखा, अगर उसको ये मालूम होता कि महंगाई अचानक से 10% बढ़ जाएगी, तो वो कैश में नहीं रखती, वो इन्वेस्टमेंट कर देती। माया जिसने पिछले साल 5,000 रुपये का उधार दिया था,
पिछले साल महंगाई 5% थी तो उसने 6% को उधार दे दिया होगा, 7% को उधार दे दिया होगा, 8% को उधार दे दिया होगा, पर अचानक से 10% की महंगाई हो गई तो उसने 8% ही कमाया, 7% ही कमाया, उसको नुकसान हो गया। मधु जिसने 5-7% उधार पिछले साल लिया था, अचानक से महंगाई 10% बढ़ गई तो उसको फायदा हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो अनएंटिसिपेटेड महंगाई है वो लैंडर्स को नुकसान पहुंचाती है, बोरोवर्स को फायदा पहुंचाती है। तो इसलिए महंगाई के बारे में जानना बड़ा मुश्किल है कि वो कब फायदा पहुंचाएगी और कब नुकसान पहुंचाएगी। और ज़रूरत इस बात की है कि इन्वेस्टर के रूप में आप हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें और सुनिश्चित करें कि आप महंगाई को हमेशा हराते हैं, क्योंकि इस महंगाई के ऊपर ये महंगाई आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रभावित करती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये महंगाई बुरी चीज़ नहीं है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, इस महंगाई का होना बहुत ज़रूरी है, ये महंगाई ही हमारे GDP को बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है, अगले वीडियो में बात करेंगे। आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।